नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरे तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांगुना सुरासुर सुपूजित स्मर पितु कलिंदगिरिमस्तके पतदमन्दपुरो विलासगमनोल्लस प्रकटगण्डशैलो सघोष गतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तम मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धो भुवं भुवन पावनी मधिगतामनेकस्वरी प्रियाभिरिव सेविता शुकमयूरहंसा तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्ति का वालुका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तोय अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देव घना घन निभे सदा ध्रुव पराशरा विशोद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संस्रिते मम मन सुखं यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमन तो भवत् सकल सिद्धि दासे तया सदृशतामिया कमल जास पत्नी हरि प्रिय कलिंदया मनसि मे सदा स्थिर नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमात्यद्भुतम् न जातु यम यातना भवति ते पय यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनव त्वमेतावत् न दुर्लभतमारती मुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनी
परम संगम तवैव भूमि कीर्तिता न तु कदापि पोष्टि स्थितैः स्तुतिं तव करोति कः कमलजास पत्नी प्रिये हरेर्यदनु सेवया भवति सौख्यमामोक्षते इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाणुभिः सकल गात्र जयी संगम तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे तया सकल सिद्धयो मुररिपूष्य संतोष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्री इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्रीयमनाष्टकं संपूर्णम् अथ श्रीकृष्णाश्रय सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गति मृच्छाक्रांते सुदेशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीडा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गति गंगादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवाव्रतेष्विह तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गति अहंकार विमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभ पूजार्थ यत्नेषु कृष्ण एव गति अपरिज्ञान नष्टेषु मन्त्रेष्व व्रतयोगिषु तिरोहितार्थ देवेषु कृष्ण एव गति नानावाद विनष्टेषु सर्वकर्म व्रतादिषु पाखंडैक प्रयत्नेषु कृष्ण एव गति अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः ज्ञापिताखिलमात्म्यः कृष्ण एव गति प्राकृता सकला देवा गणितानन्दकं बृहत्
पूर्णानन्दो हरिस्तस्मा कृष्ण एव गते विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गति सर्वसामर्थ सहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थ समुद्धारं कृष्णं विज्ञापयामि कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्रीकृष्णाश्रय स्तोत्रं संपूर्णम्। अतः सर्वोत्तम स्तोत्र। सीधा बोले श्री सर्वोत्तम सर्वोत्तम स्तोत्रम् प्राकृत धर्मानाश्रय मप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं यत्तच्छुद्धं साकृति स्तोमि कलिकाल तमक्षन्न दृष्टिवादि संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यं समभूद्भुवि दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरिः वाण्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारयि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं साध्यता तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलाग्रह ऋषिराग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिक प्रभु विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय आनंदः परमानंदः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रियत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशन श्रीभागवत गूढार्थ प्रकाशन परायणः साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेदपारः मायावाद निराकर्ता सर्ववादिनिरासकृत् भक्तिमार्गाब्जमार्तण्डः श्रीशूद्राभ्युद्धृतिक्षमः अङ्गीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृतमानवः अङ्गीकृतौ समर्यादो महाकारुणिको अदेयदान दक्षस्य महोदार चरित्रवान् प्राकृतानुकृत
ಪ್ರತಿವ್ಯಾಜ ಮೋಹಿತಾಸುರಮಾನುಷ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಲ್ಲಭಾಖ್ಯ ಸದ್ರೂಪೋ ಹಿತಕೃತ್ಸತಾಂ ಜನಶಿಕ್ಷಾ ಕೃತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರನ್ನಿಖಿಲೇಷ್ಟ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನದೋ ಗುರು ಸ್ವಾನಂದ ತುಂದಿಲ ಪದ್ಮ ದಲಾಯತ ವಿಲೋಚನ ಕೃಪಾ ತ್ರಿವೃಷ್ಟಿ ಸಂವೃಷ್ಟ ದಾಸ ದಾಸಿ ಪ್ರಿಯ ಪತಿ ರೋಸದ್ವಿತ್ಪಾತ ಸಂಪುಷ್ಟ ಭಕ್ತ ವಿಪ್ರಭಕ್ತ ಸೇವಿತ ಸುಖ ಸೇವ್ಯೋ ದುರಾರಾಧ್ಯೋ ದುರ್ಲಭಾಂಗ್ನಿ ಸರೋರುಹ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಾಪೋ ವಾಕ್ಸಿಂಹು ಪೂರಿಕಾಶೇಷ ಸೇವಕ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಪೀಯೂಷ ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಕ್ಷಮ ತತ್ಸಾರಭೂತರಾಸಸ್ತಿ ಭಾವಪೂರಿತ ವಿಗ್ರಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ದತ್ತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ವಿಮುಕ್ತಿದ ರಾಸಲೀಲೈಕ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕೃಪಯೈ ತತ್ಕಥಾಪ್ರದ ವಿರಹಾನುಭವೈಕಾರ್ಥ ಸರ್ವತ್ಯಾಗೋಪದೇಶಕ ಭಕ್ತ್ಯಾಚಾರೋಪದೇಷ್ಟಾಚ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ಯಾಗಾದೌ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೈಕ ಸಾಧನತ್ವೋಪದೇಶಕ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಪೂರ್ಣಕಾಮ ವಾಗ್ಪತಿ ವಿಭುಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ಭಕ್ತಪರಾಯಣ ಭಕ್ತ್ಯಾಚಾರೋಪದೇಶಾರ್ಥ ನಾನಾವಾಕ್ಯ ನಿರೂಪಕ ಸ್ವಾರ್ಥೋಯುತಾ ಕಿಲ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯಸ್ತಾದೃಶವೇಷ್ಟಿಕ ಸದಾ ಸಾರ್ಥಕೃತಾಶೇಷ ಸಾಧನ ಸರ್ವಸಾತ್ವಿಕ ಭುವಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಚಾರೈಕ ಕೃತೆ ಸ್ವಾನ್ಯವಯ ಕೃತ್ವಿತ ತ್ವಂಸೆ ಸ್ಥಾಪಿತಾ ಶೇಷ ತಮಾತ್ಮಯ ಸ್ಮಯಾಪ ಪತಿವ್ರತಾ ಪತಿ ಪಾರ ಲೌಕಿಕೈಕ ದಾನ ನಿಗೂಢ ಹೃದಯೋನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸುಜಾಪಿತಾಶಯ ಉಪಾಸನಾದಿ ಮಾರ್ಗಾದಿ ಮುಕ್ತ ಮೋಹ ನಿವಾರಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೇ ಸರ್ವ ಮಾರ್ಗ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಾನುಭೂತಿ ಪೃಥಕ್ ಶರಣ ಮಾರ್ಗೋಪದೇಶ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವೇ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಕುಂಜಸ್ಥ ಲೀಲಾರಸ ಸುಪೂರಿತ ತತ್ಕಥಾ ಚಿತ್ತ ಚಿತ್ತಸ್ಥ ವಿಸ್ಮೃತಾನ್ಯೋ ವ್ರಜ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯ ವ್ರಜ ಸ್ಥಿತಿ ಪುಷ್ಟಿ ಲೀಲಾಕರ್ತಾರ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತೇಚ್ಛಾ ಪೂರಕ ಸರ್ವ ಜ್ಞಾತಿ ಲೀಲೋತಿ ಮೋಹನ ಸರ್ವಾ ಸಕ್ತೋ ಭಕ್ತ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ತ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸ್ವಯಶೋಗಾನ ಸಂಹಿಷ್ಟ ಹೃದಯಾಂಭೋಜ ವಿಷ್ಕರ ಯಶಃ ಪಿಯೂಷ ಲಹರಿ ಪ್ಲಾವಿತಾನ್ಯ ರಸ ಪರ ಲೀಲಾಮೃತ ರಸಾರ್ದ್ರಾದ್ರಿ ಮೃತಾಖಿಲ ಶರೀರ ಗೋವರ್ಧನ ಸ್ತುತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ಯಜ್ಞಕರ್ತಾ ಚತುರ್ವರ್ಗ ವಿಶಾರದ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಗುಣ ಪೀತೋ ನಯ ವಿಶಾರದ
स्वकीर्ति वर्धनस्तत्व सूत्रभाष्य प्रदर्शक मायावादाख्य तुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपक अप्राकृताखिला कल्प भूषित सहज स्मित लोकी भूषण भूमि भाग्यम सहज सुंदर अशेष भक्त संप्राज्य चरणाब्ज रजोधन इत्यानंद निदेह प्रोक्तम नामनामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्य निदिनं जनः सतदेकमनः सिद्धि मुक्तां प्राप्नोत्य संशयम् तदप्राप्तौ व्रथा मोक्षस्तदाप्तौ तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमी स्तोत्रं जप्यं कृष्ण रसार्थिभिः इति श्रीमदग्नि कुमार प्रोक्तं श्री सर्वोत्तम संपूर्णम् श्रीवल्लभ विठल गिरधारी श्रीवल्लभ विठल गिरधारी श्रीवल्लभ श्रीवल्लभ विठल गिरधारे श्री यमुना जी की बलिहारे बोलो वल्लभ विठल गिरधारी बोलो वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना श्री गोसाई जी की बलिहारे श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारे श्री यमुना जी की बलिहारे श्री महाप्रभु महाप्रभु जी की बलिहारे श्री वल्लभाष्टक श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिका नंद संदोह रूप पूजद्रासादि लीला मृत जलधि भरा क्रांत सर्वो विशेष तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदय त्याज्ञया प्रादुरासी भूमौ य सन्मनुष्या कृतिरति करुण तं प्रपद्ये हुताशम् नाविर्भूयान् भवांशे दधिधरणितलं भूतनाथोदितासन् मार्गध्वान्तान्धतुल्या निगमपथगतौ देवसर्गेऽपि जाता घोषाधीशं तदेमे कथमपि मनुजाः प्राप्नुयुर्नैव देवी सृष्टिर्व्यर्था च भूयान् निजफलरहिता देववैश्वानरेश नायन्यो वागधीशान् श्रुतिगणवचसां भावमाज्ञातुमिष्टे यस्मात् साध्वी स्वभावं प्रकटयति वधू प्रकृतपच्युरेव
तस्मा श्रीवल्लभाख्य तदुदित वचना धन्यथा रूपयन्ति भ्रांता ये ते निसर्ग त्रितशरीकृतया केवलांध तमोगा प्रादुर्भूतेन भूमौ व्रजपति चरणां भोज सेवा ख्यवर्त्म काकट्यं यत्कृतं ते तदुत निज कृते श्रीहुताशेति मन्ये यस्मादस्मिन् स्थितौ यत्किमपि कथमपि पाप्युपाहर्तुमिच्छत् यद्धा तद्गोपिकेशः स्ववदन कमले चारुहासे करोति उष्णत्वैक स्वभावोऽप्यतिशिशिरवचः पुञ्जपीयूषवृष्टि तार्ते स्वच्छुभ्रमोहात् सुरमिषु युगपत् तापमप्यत्र कुर्वन् स्वस्मिन् कृष्णास्यतां त्वं प्रकटयसि च नो भूतदेव त्वमेतत् यस्मादानन्ददं श्री ब्रजजननिचये नाशकं चासुराग्ने आम्ना योक्तं यदम्भो भवनमनलपस्तच्च सत्यं विभोर्य सर्गादौ भूतरूपात् भवदनलतः पुष्करं भूतरूपम् आनन्दैकस्वरूपात् त्वदिभूयदभूत् कृष्णसेवारसाभि चानन्दैकस्वरूपत् तदखिलमुचितं हेतुसाम्यं हि कार्ये स्वामी श्रीवल्लभाग्ने क्षणमपि भवतः सन्निधाने कृपाकर प्राणतेष्ट ब्रजाधीश्वर वदन दिद्र क्षातितापो जनेश यत्प्रादुर्भावमाप्नोत्युचिततरमिदं यत्तु पश्यादतीथम् दृष्टेऽप्यस्मिन् मुखेन्दौ प्रचुरतरमुदे एव तच्चित्रमेतत् अज्ञानादन्धकारप्रशमनपटुता ध्यापनाय त्रिलोक्या मग्नित्वं वर्णितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवान् नित्यनुभवनिगमाद्योत्यमानैरवेद्य त्वां श्री श्रीवल्लभे मे निखिलबुधजना गोकुलेशं भजन्ति इति श्रीमद्विट्ठलेश्वरविरचित श्रीवल्लभाष्टकं सम्पूर्णं श्रीस्फुस्फुरत्कृष्णप्रमाणम् स्फुरत् कृष्ण प्रेमा मृतरसभरेणाति भरिता विहारान् कुर्वाणा व्रजपति विहाराधिषु सदा प्रिया गोपी भर्तु स्फुरतु सततं वल्लवै पृथावत्यस्माकं हृदि सुभगमूर्तिः स करुणा श्रीभागवत प्रतिपद मणिवर भावांशुभूषिता मूर्ति श्रीवल्लभाभिधानस्तनोतु निजदास सौभाग्य श्रीवल्लभाभिधानस्तनोत् निजदासस्य सौभाग्य मायावादतमो निरस्य मधुवे सेवाख्यवर्त्माद्भुतं
श्रीमद्गोकुलनाथ संगम सुधा संप्रापकं तक्षणात् दुष्प्रापं प्रकटं चकार करुणा रागाति सम्मोहन स श्रीवल्लभ भानुरुल्लसतीय श्रीवल्लभी शांतर क्वचित् पांडित्यं चे न निगम गतिः सापि यदि न क्रिया सा सापि स्यात् यदि न हरिमार्गे परिचय यदि स्यात् सोऽपि श्री ब्रजपतिरतिरनेति निखिलै गुणैरन्य को वा विलसति विना वल्लभवदन् मायावादिकरीन्द्रदल्पकलने नाशेन्दुराजोद्गतः श्रीमद्भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्तिभिः राधावल्लभ सेवया तदुचित प्रेम्णोपदेशैरपि श्रीमद्वल्लभ नाम ध्येय सदृशो भावीन भूतोऽस्त्यपि यदङ्ग्रिनखमण्डल प्रसृतवारिपीयूषयो वराङ् हृदयैकली प्रणमिवेह तुच्छीकृत व्रजाधिपतिरिन्दिरा प्रवृति मृग्यपादाङ्गुज क्षणेन परितोषित तदनुगत्वमेवास्तु मे अघौघतमसावृतं कलिभुजङ्गमासादितं जगद्विषयसागरे पतितमस्वधर्मे रतम् यदि क्षणसुधानिधि समुदितोऽनुकम्पामृता मृत्युमकरोक्षणात् धरणमस्तु मे तद्वदन् इति श्रीमद्विट्ठलेश्वर विरचितं श्री श्रीकृष्ण प्रेमामृत संपूर्ण नामरत्नाचार्य श्रीनाम रत्नाख्य स्तोत्रम् यन्ना मार्गोदयात् पाप भान्तराशी प्रशाम्यति विकसन्ति हि द्रव्याणि तन्नामानि सदाश्रये अनुष्टुभमिह छन्दः ऋषिरग्नि कुमारज सर्वशक्ति समायुक्तो देव श्रीवल्लभात्मज विनियोगः समस्तेष्ट सिद्ध्यर्थे विनिरूपितः श्रीविठ्ठल कृपा सिन्धो भक्तवस्योऽति सुन्दरः कृष्णलीलारसाविष्ट श्रीमान् वल्लभनन्दनः दुर्दृश्यो भक्तसन्दृश्यो भक्तिगम्यो भयापः अनन्यभक्तहृदयो दीनानाथैकसंश्रयः राजीवलोचनो रास लीलारसमहोदधिः धर्मसेतुर्भक्तिसेतुः स
सुख सेव्यो ब्रजेश्वर भक्त शोकापह शांत सर्वज्ञ सर्वकामद रुक्मिणी रमण श्रीशो भक्तरत्न परीक्षक भक्त रक्षैक दक्ष श्री कृष्ण भक्ति प्रवर्तक महासुर तिरस्कर्ता सर्व शास्त्र विदग्रणी कर्मजाड्य विदुषांशु भक्त नेत्र सुधाकर महालक्ष्मी गर्भरत्न कृष्णवर्त्म समुद्भव भक्त चिंतामणि भक्ति कल्पद्रुम नवांकुर श्री गोकुल कृतावास कालिंदी पुलिन प्रिय गोवर्धना गमरत प्रिय वृंदावनाचल गोवर्धना त्रिमख तृण महेन्द्र मदभि प्रिय कृष्ण लीलैक सर्वस्व श्री भागवत भाववी पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक ब्रजेश्वर प्रीति कर्ता कन्निमंत्रण भोजक बाल लीलादि सुप्रीतो गोपी संबंधी सत्कथ अति गंभीर तात्पर्य कथनीय गुणाकर पितृवंशो दधि विदुः स्वानुरूप सुत प्रसूः दिक्चक्रवर्ती सत्कीर्ति महोज्वल चरित्रवान् अनेक क्षितिपश्रेणी मूर्धा सत पदांगुज विप्रदारिद्र्यदावाग्नी भूदेवाग्नि प्रपूजक गो ब्राह्मण प्राण रक्षा पर सत्य परायण प्रिय श्रुति पथ शश्वत महामत कर प्रभु कृष्णानुग्रह संलभ्यो महापतित पावन अनेक मार्ग संक्लिष्ट जीव स्वास्थ्य प्रदो महान नाना भ्रम निराकर्ता भक्ता ज्ञान विदुत्तम महापुरुष सख्याति महापुरुष विग्रह दर्शनीय तमो वाग्मी मायावाद निराशकृत सदा प्रसन्न वदनो मुग्धस्मित मुखाम्बुज प्रेमाद द्रग्विशालाक्ष क्षितिमंडल मंडन त्रिजगद्व्यापी सत्कीर्ति भवरीकृत मेचक वाक्सुधा कृष्ण भक्तांत करण शस्त्रुतापन भक्त संप्रार्थित करो दास दासी चित प्रद अचिंत्य महिमा मेयो विस्मयास्पद विग्रह भक्त क्लेशा सह सर्व सहो भक्त कृते वश आचार्य रत्नम सर्वानुग्रह कर्मंत्र वित्तम सर्वस्वदान कुशलो गीत संगीत सागर गोवर्धना चल सखो गोप गो गोपिका प्रिय चिंतितज्ञो महाबुद्धि जगद्वंद्य पदंबुज जगदाश्चर्यरसकृतो सदा कृष्ण कथा प्रिय सुखोदर्क कृतिः सर्व संदेह छेद दक्षिण स्वपक्ष रक्षणे दक्ष प्रतिपक्ष क्षयंकर गोपिका विरहाविष्ट कृष्णात्मा स्वसमर्पक निवेदि भक्त सर्वस्व शरणाध्व प्रदर्शक
श्रीकृष्णानुग्रहीतैक प्रार्थनीय पदाम्बुजः इमानि नाम रत्नानि श्रीविठ्ठल पदाम्बुजं ज्ञात्वा तदेक शरणो यः पठेत् स हरिं लभेत् यज्जन्मनस्य विध्यायेत् तदाप्नोत्य संशयम् नाम रत्नाभिदमिदं स्तोत्रं य प्रपठेत् सुधीः त्वदीयं तङ्ग्रहाणाशु प्रार्थमे तन्मम प्रभो श्रीविठ्ठलपदाम्भोज मकरन्दजुषोनिशं यं श्रीरघुनाथस्य कृतिर्विजयते तरा इति श्रीरघुनाथजी विरचितं श्रीनामरत्नाकरस्तोत्रं सम्पूर्ण जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठ्ठलेश सार विठ्ठलेश सार जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठ्ठलेश सार जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठ्ठलेश सार निज जन पर करत कृपा धरत हाथ माला निज जन पर करत कृपा धरत हाथ माथे जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठ्ठलेश जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठ्ठलेश साचे निज जन पर करत कृपा भरत हाथ निज जन पर करत कृपा भरत हाथ माथे दोष सब दूर करत भक्ति भाव ही दोष सब दूर करत भक्ति भाव ही करत काज सब सरत सदा काज सब सरत सदा गावत गुण गावत गुण गा निज जन पर करत कृपा भरत हाथ मा निज जन पर करत कृपा भरत हाथ माथे काहे को देह दमत साधन कर मूरत जन काहे को देह दमत साधन कर मूरत जन विद्यमान आनंद तज विद्यमान आनंद तज चलत क्यों अपार चलत क्यों अपार करत कृपा धरत हाथ माथे रसिक चरण शरण सदा रहत है बड़ भागी जन अपनों करी गोकुलपति भरत का
भरत काय भरे जय जय श्री वल्लभ प्रभु विचरे जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश साजे निज जन पर करत कृपा धरत निज जन पर करत कृपा धरत हाथ माथे विठलेश ये श्री हरिराय महाप्रभु जी का पद है। आसक्ति किसी स्वरूप में होना अच्छी बात है। कोई श्री कृष्ण स्वरूप में आ सकते हैं, कोई श्री वल्लभाधीश के स्वरूप में आ सकते हैं, कोई विठ्ठलनाथ जी के स्वरूप में आ सकते हैं, कोई गोकुलनाथ जी के स्वरूप में आ सकते हैं। आसक्ति सिद्ध होना ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, लेकिन एक स्वरूप में आसक्ति होने के बाद कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दूसरे स्वरूप को हे दृष्टि से देखते हैं और उनकी आलोचना करने लग जाते हैं। ये आसक्ति का उदाहरण नहीं है महाराज, इसको आसक्ति नहीं कहते। चीत स्वामी जी ने कीर्तनों में गाया कि श्रीनाथ जी और विठ्ठलनाथ जी में कोई भेद नहीं है, यही तेई यही यही तेई कछु न संदेह। बहुत कीर्तन है उनके ऐसे, लेकिन आसक्ति विठ्ठलनाथ जी के स्वरूप और श्री कुम्भनदास जी की आसक्ति श्रीनाथ जी के स्वरूप में। वो भी यही कह रहे हैं प्रकट कृष्ण अवतार, श्रीनाथ जी में और श्री विठ्ठलनाथ जी में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब विठ्ठलनाथ जी ने देखा कि कुम्भनदास जी के यहाँ द्रव्य का बहुत संकोच है, बड़ा परिवार है, थोड़ी सी जमीन है, निर्वाह नहीं होता, तो आज्ञा की कुम्भनदास जी हम परदेश पधार रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो तो कुछ सेवा समाधान हो जाएगा। आज्ञा तो हो गई, लेकिन इतना विरह हुआ हमारा। क्या गाया उन्होंने, कितने दिन भेजु गए बिन देखे। ओहो, राजभोग के दर्शन किए हैं और अनवसर में विठ्ठलनाथ जी के पधारने की तैयारी हो रही है। हरजी कुंड के पास डेरा लगे हैं, प्रस्थान की भी विजय की यात्रा की तैयारी। और कुम्भनदास ने जब ये पद गाया तो श्री विठ्ठलनाथ जी ने सुना और उत्थापन की झारी पधराई, उत्थापन भोग धरे तो क्या देखा, श्रीनाथ जी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और वहां कुम्भनदास ये पद गा रहे हैं। तो श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी, कुम्भनदास त्यारो परदेश है चुक्यो, यहां तुम्हारी ये दशा है, वहां ठाकुर जी की ये हालत, तुम यही रहो, हमारे साथ मत जाओ। तो इस प्रसंग में आप देखिए कि यद्यपि उनकी दृष्टि में श्रीनाथ जी में और श्री विठ्ठलनाथ जी में कोई अंतर नहीं है, तो जब विठ्ठलनाथ जी ने ये कहा कि हमारे साथ परदेश चलो, तो विठ्ठलनाथ जी साक्षात कृष्ण तो उनके साथ हैं और बोलते ठाकुर हैं। श्रीनाथ जी की तो जब इच्छा होती तब बोले, जब मन में आवे तब खेलने पधारे, और ये तो चलते फिरते स्वरूप में दर्शन हो रहा है, वचनामृत सुनने को मिल रहा है। तो ये जानते हुए भी विठ्ठलनाथ जी के साथ परदेश क्यों नहीं गए, इसका क्या उत्तर है? आसक्ति श्रीनाथ जी में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वल्लभाचार्य जी और विठ्ठलनाथ जी की हे दृष्टि से देखें कि अरे हमारे लिए तो सर्वश्रीनाथ जी, ऐसा नहीं है। तो ये जो कीर्तन है हरिया जी ने गाया है, आसक्ति होना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात, लेकिन सब स्वरूपों में एक भाव होना चाहिए। हाँ, एक ही तत्व है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो एक ही विविध रूपों में क्रीड़ा कर रहे हैं, एको हम बहुश्याम। और इतने आसक्त श्रीनाथ जी में कि और तो छोड़िए, श्रीनाथ जी के सेवा छोड़ के दर्शन छोड़ के कभी जीवन में गोकुल नहीं गए कुम्भनदास जी, नवनीत प्रिया जी के दर्शन नहीं किए, आसक्ति की बात है। लेकिन तत्वता उनकी दृष्टि में भेदभाव नहीं है। तो ये स्थिति जब होती है तो उसको भक्ति मार्गीय आसक्ति का जो आनंद है उसका अनुभव होता है।
और आसक्ति तो हुई नहीं, और ये सब तमाशा हम करने लग जाते हैं तो वहां सिद्ध कुछ नहीं होता। एक वस्तु की प्राप्ति हो जाती है जिसको अपराध कहते हैं महाराज। तो हरा जी गा रहे हैं, जय जय श्री वल्लभ प्रभु, दो बार जय जय, श्री विठलेश साथ है। पहली जय वल्लभाचार्य जी के लिए और दूसरी जय विठलनाथ जी के लिए। जय जय वल्लभाधीश का गुणगान गाओ तो विठलेश साथ है, साथ में विठलनाथ जी का भी गाओ, और विठलनाथ जी का गाओ तो साथ में वल्लभाचार्य जी का गाओ, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। यहां कार्यक्रम रखा गया है श्री विठलेश चरितामृत, लेकिन आपने देखा प्रारंभ में श्री वल्लभाचार्य जी के चरित्र का वर्णन हो रहा है। जहां वल्लभ की कथा है वहां विठलनाथ जी का श्रीनाथ जी का प्रसंग निश्चित आएगा, और जहां श्रीनाथ जी का चरित्र है वहां वल्लभ विठल का प्रसंग जरूर आएगा, और जहां विठलनाथ जी का चरित्र है वहां श्री वल्लभ श्रीनाथ जी और भगवती वैष्णव की चर्चा निश्चित आएगी, क्योंकि तीनों में कोई भेद नहीं है। तो दो बार जय जय, जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश साथ, जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश साथ। ये लीला में तीन है, वस्तुतः एक ही है। निज जन पर करत कृपा भरत हाथ ना, निज जन पर करत कृपा धरत हाथ माथे। ये कृपा करने के लिए पधारे हैं, और जिसके माते हस्त पधरा दें बस कल्याण हो गया। लेकिन ये कृपा की प्राप्ति, कृपा का अनुभव हमें कब होगा? तो हरिहर जी कह रहे हैं अभी हम जन बने हैं, ब्रह्म संबंध हो गया, नाम सुन लिया, जन बने हैं, लेकिन हमें क्या बनना है? निज जन, निज जन माने निजन किसे कहते हैं? जब ठाकुर जी के वल्लभाधीश के विठलनाथ जी के मुख से ये निकल जावे, हमारा प्रेम हमारी निष्ठा हमारा आश्रय विश्वास देखकर, ये तो मेरो है। जिस दिन आप ये कह दें कि वो मेरो है, जब नागजी भाई चलते तो विठलनाथ जी सवेरे से ही गोकुल में चर्चा, आज मेरो नागी आ रहे हो, आज मेरो नागी आ रहे हो, उसको कहते हैं निज जन। निज जन पर करत कृपा धरत हाथ माथे, निज जन पर करत कृपा धरत हाथ माथे। बस निज जन बन जाइए, कोई साधन नहीं बनेगा हमसे, हम अनन्य दृढ़ विश्वास दृढ़ आश्रय पूर्वक इनके बन जाएं, और इनका हस्त तो माथे विराजने के लिए तैयारी, तो क्या होगा? अगर इनका हस्त माथे विराजमान हो गया तो क्या होगा? दोष सब दूर करत, दोष सब दूर करत भक्ति भाव ही ये धरत, भक्ति भाव ही ये धरत। भगवान के चरणों में और हस्त में अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत सामर्थ्य। चरणों में क्या सामर्थ्य है सुनिए, जब हम चरणों का स्पर्श करते हैं, सेवा में चरण स्पर्श होते हैं ना, तो चरण क्या करते हैं? श्री चरणों में 10 नख हैं। प्रोफेसर गया, अपने आप काम हो जाता है, खिसक जाता है, तो आज आखिरी है, ठीक है। जब हम श्री चरणों में दंडवत करते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं, देखिए तो क्या होता है। इसलिए कहा गया है कि वैष्णव को भगवत चरण स्पर्श का आग्रह नित्य रखना चाहिए। स्नान तो सभी करते हैं, नहाते हैं कि नहीं रोज, तो स्नान करते का भाव क्या होना चाहिए कि मैं स्नान किस लिए कर रहा हूं? ठाकुर जी की सेवा में जाने की। तो स्नान भी क्रिया नहीं रहेगी, सेवा बन जाएगी, चरण स्पर्श का नियम ले। ऐसे वैष्णव देखे मैंने कि आज ठाकुर जी के चरण स्पर्श का लाभ नहीं मिला, उस दिन प्रसाद ही नहीं लेते, ये प्राश्चित। आज ठाकुर जी के चरण स्पर्श नहीं, काय का भोजन? क्या सही पोषण के लिए जी रहे?
चरण स्पर्श का आग्रह। देखो पूरी सेवा नहीं कर पाते, ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, नौकरी पे जाना है, चरण स्पर्श करके ही जो निकल जाते हैं, जो कुछ नहीं करते उनसे वो बहुत अच्छे। लेकिन एक बात जरा हम सूक्ष्मता से विचार करें कि चरण स्पर्श में हमें आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन प्रभु को हमने क्या सुख दिया? चरण स्पर्श किए तो मन में आनंद हो गया, आज सारा दिन बढ़िया निकलेगा, चरण स्पर्श हो गए, आज कोई अनहोनी होने वाली है, कोई ऐसी घटना घटने वाली है, उसका निराकरण हो गया, अनिष्ट का निराकरण हो गया, ये एक संतोष होता है कि आज मंगल ही मंगल होगा। तो आपने अपने लाभ के लिए चरण स्पर्श किए, प्रभु को क्या सुख दिया? और पुष्टि भक्ति में भगवान का सुख प्रदान है ना? तो क्या करना चाहिए? पहले एक कटोरी मिश्री मेवा जो भी हो भोग धरो, फिर चरण स्पर्श करो कि सामग्री का सुख आप अंगीकार करो और चरण स्पर्श का सुख मुझे प्रदान करो, दोनों भाव होना चाहिए। ये नियम आग्रह पूर्वक करना चाहिए। देखो आजकल वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक दृष्टांत से बहुत जल्दी बात समझ में आती है। पहले प्राय वैष्णवों के हाथ में ज्यादा समय तक माला जी रहती थी, गौरमुखी खूब भजन करते थे अष्टाक्षर का पंचाक्षर का, और आजकल हाथ में क्या आ गया बोलो? और अब तो रात को जब बैठते हैं ना नौकरी से आके, खाना पे भोजन हो गया, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में टीवी का रिमोट, दोनों भर गए हैं महाराज, माला कैसे जपे क्या करें? मोबाइल यदि हम रोज चार्ज न करें तो दूसरे दिन उसका लाभ ले सकते हैं? सारे दिन उसका उपयोग किया जाता है और रात को चार्ज करने के लिए लगा देते हैं कि दिन में फिर काम आएगा, तो रोज चार्ज करना पड़ता है। ऐसे ही एक शरीर को भी भक्ति से चार्ज करने के लिए सुबह स्नान करके पहले चरण स्पर्श करो और भगवान के चरणों में जो 10 नख में 10 भक्ति है उसका चार्ज, उसका आवेग शरीर में प्रवेश कर जाता है। धरत हाथ माथे, चरणों से दिव्य शक्ति मिल रही है और उप माथे हाथ धर दिया, दोनों से आनंद हो गया महाराज। तो सारे दिन उस भक्ति के खुमारी में आनंद में निमग्न रहो, छके रहो, और जब वो आवेश ठंडा हो जाए रात को तो क्या करो, सवेरे फिर नहा के पहुंच जाओ। तो जैसे मोबाइल नित्य चार्ज करते हैं उसका उपयोग करते हैं, ऐसे शरीर को भी भक्ति से चार्ज करने के लिए चरण स्पर्श का नियम, चरण स्पर्श का आग्रह नित्य रखना चाहिए। आप चरणों में दंडवत करो तो क्या होगा? गोपियों ने कहा प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चुरानुगम श्री निकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृण कुचे सुनह कृणिरिचे। एक बार को देहधारी चरणों में प्रणाम कर दे, गोपियां कह रही हैं, श्रुतियां हैं ये, तो चरण क्या करते हैं सुनिए, चरणों का स्पर्श करने से 2 लाभ विशेष हैं। हमारे अंदर जो पाप दोष है ना, पाप कर्षण, उनको तो खींच लेते हैं ये, और 10 नख में जो 10 भक्ति हैं उनका आवेश प्रवेश करा देते हैं महाराज। बोलो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, साधन महाराज, कैसे भक्ति मिले, कैसे पाप क्षय हो, केवल चरणों का आग्रह रखिए, चरण स्पर्श का सेवा का आग्रह रखिए, दोनों काम हो जाएंगे, शनै शनै दूर होगा है? कोई बर्तन बहुत मैला हो, तांबे का बर्तन, बरसों से रंग उसका काला पड़ गया, हरा हो गया, उसको रगड़ने से एक दिन में चमक नहीं जाएगा भाई, रोज का आग्रह रखिए। बोलिए वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की। इन 2 आचार्यों को एक क्षण न भूलें, दोनों 2 रूप में दर्शन दे रहे हैं, वस्तुतः एक ही है। तो ये नियम हमें लेना चाहिए, क्या होगा इससे, दोष सब दूर करत भक्ति भाव, ये धरत दोष सब दूर करत भक्ति भाव, सब कहिए सब दूर करत भक्ति भाव, ये धरत दोष सब दूर करत भक्ति भाव, ये भरत भरत भी है, भरत भी है, धरत माने धर देते हैं भक्ति भाव को, और भरत माने पूरा पात्र छकाछक भर देते हैं। और हम संसारी लौकिक जीवी हैं, लौकिक भी अभी
कार्य करने हैं, व्यवहार धर्म निभाना है। हरिराज जी कह रहे हैं, काज सब सरत सदा, काज सब सरत सदा, काज सब सरत सदा, काज सब सरत सदा, सब लौकिक अलौकिक सब कार्य सर जाते हैं। किसके किसके? सदा माने हमेशा। गावत गुण गाथे, गावत गुण गाथे, जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश, जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश। सदा गुणगान गाते रहिए तो आपको लौकिक कार्य के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। जय जय हमारा जो काम अटको वह, अरे कहने की जरूरत ही नहीं। काज सब सरत सदा गावत गुण गाथे, जो आपकी गुण गाथा को सदा गाते रहते हैं उनकी चिंता वल्लभाधीश को हो जाती है, विठला जी हो जाती। अब हमें विश्वास नहीं है तो सेवा तो करते नहीं है, आपका नाम स्मरण तो करते नहीं है, और क्या कर रहे हैं? साधनों में लगे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कर लेंगे तो हो जाएगा, ये कर लेंगे। आए हैं वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी नगर में, पूज्य महर्षि के वचनामृत सुनने, कथा सुनने, दर्शन करने, और जाने कहां कहां घूम रहे हैं। भाभी हो जाए तो महावी हो जाए तो बगल में सिरनी है, भाभी देखे आए, सुनाए बड़ा वैभव हो गया है। दो दिन समय निकाल के आए और दो दिन भी हमने यहां पूरा लाभ नहीं लिया। काहे को देह दमत साधन कर मूरख जन, काहे को देह दमत साधन कर मूरख जन, काहे को देह दमत, काहे को देह दमत साधन कर मूरख जन, साधन कर मूरख जन। साधन करने वाले को हरिराय जी मूर्ख कह रहे हैं। मूर्ख कैसा मूर्ख है वो कि गंगा जी के किनारे कुआं खोदे कोई लगाए खोदने, तो किसी ने पूछा भैया क्यों खोद रहे हो? अरे खेत में पानी लगाना है ना। बाबरे गंगा का ज्ञानी नहीं महात्मा का। काहे को देह दमत, काहे को देह दमत, काहे को देह दमत, काहे को देह दमत, साधन कर मूरख जन, साधन कर मूरख जन, विद्यमान आनंद तज, विद्यमान आनंद तज, चलत क्यों अपार, चलत क्यों अपार।